मुझे देखते ही आपके मन में पहला सवाल आया होगा कि मुझे ये फूल किसने पहनाया। मम्मी ने बचपन से पहनाती है और मैं पोनी को। यूं ही बचपन में भैया दीदी हम सब पूरा दिन खेलते और मैं रेफरी बन जाती। हम अपने आप को कंफर्टेबल बनाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं। मुझे भी करनी पड़ती है, बस भैया दीदी से थोड़ी अलग। कहानियों से पता चलता है कि लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो सबको होती हैं। बस मेरे प्रॉब्लम सबको नजर आते हैं, लेकिन किसी की बर्थडे पार्टी हो तो मैं नजर ही नहीं आती। मेरी स्किन कंडीशन का नाम इक्थियोसिस है। ये इन्फेक्शस नहीं, पैदाइशी है। इसका कोई इलाज नहीं। कुछ लोगों के नजरिए की तरह ये 10 लाख लोगों में एक को होता है, पर लाखों में एक तो मेरी मम्मी है। मेरी बीमारी मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी पहचान नहीं, क्योंकि मेरी कहानी में वो सब कुछ है जो बाकी कहानियों में होता है। कुछ होप्स, कुछ ड्रीम्स, कुछ कोशिशें। पर ये कहानी शुरू ही नहीं होती अगर 17 साल पहले दो लोगों ने मिलकर एक फैसला नहीं लिया होता। मुझे अडॉप्ट करने का फैसला, और ये फैसला उन्होंने कोई चैरिटी करने के लिए नहीं लिया था। लिया था तो बस खुशी के लिए, प्यार के लिए। आज आप वही फैसला लेने वाले हैं जो उन्होंने 17 साल पहले लिया था इसी ऑर्फनेज में। पता है आप यहाँ अपने बच्चे को कैसे पहचान पाओगे? अगर उसे देखते ही आपके मन में वही सवाल आता है जो मुझे देखते ही मम्मी और पापा के मन में आया था। क्या ये हमारी नहीं बन सकती?